हमेशा टिक्की वाला बर्गर खाते हैं, बट टिक्की वाला बर्गर में बहुत मेहनत है, टिक्की बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो आज हम बहुत सिंपल से बर्गर की रेसिपी लाए हैं जो बहुत ही यम्मी होते हैं और बहुत ही क्रंची क्रंची होते हैं। सो हेलो गाइज, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक स्टफ्ड बर्गर, तवा बर्गर की रेसिपी, जो सिर्फ 10 मिनट में बन जाएंगे और इतने यम्मी बनेंगे और इतने डिलीशियस। तो ये यम्मी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले बनाएंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे 4 चम्मच बटर लिया है, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। और बटर में डाल देंगे एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज, इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना, बस हल्का ही पकाना है कि इसका कच्चापन चला जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, इसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। काफ़ी अच्छे से इसमें कलर आ गया है, ट्रांसलूसेंट भी हो गई है। तो अब हम इसमें अपनी फेवरेट वेजीज डालेंगे। मैंने यहाँ पे डाली है एक बारीक चॉप करी हुई शिमला मिर्च, 2 बारीक चॉप की हुई गाजर और थोड़ी सी स्वीट कॉर्न। आप चाहें तो यहाँ पे बेल पेपर, बीन्स, मटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। या फिर आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, पनीर भी बहुत अच्छा लगता है तवा बर्गर में। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पे ही कुक करना है, ताकि जो इनका क्रंच है वो बना रहे, इन्हें टेंडर बिल्कुल नहीं करना। तो इसे अच्छे से प्याज के साथ सॉटे कर लेंगे 2 से 3 मिनट और फिर इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधी चम्मच हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर। इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मसालों में हमें सिर्फ ये 2 ही चीज़ डालनी है और फिर हम इसमें अपनी फेवरेट सॉसेस डालेंगे, जो भी आपको मेयोनीज का फ्लेवर पसंद हो, चीज़ का फ्लेवर पसंद हो, चीज़ सॉस पसंद हो, सॉस पसंद हो। बट मैं यहाँ पे डालूंगी 1 बड़ा चम्मच शेजवान चटनी और 2 चम्मच मैं यहाँ पे गार्लिक मेयो यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सिंपल मेयो भी यूज़ कर सकते हैं। और सब्जियों के साथ इसे अच्छे से मिला लेंगे और हमारी क्रीमी सी मेयोनीज वाली स्टफिंग जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगी। आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, मनपसंद सॉस ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तवा बर्गर में। अब मैंने यहाँ पे तवा बर्गर मतलब बर्गर के पीसेस ले लिए हैं और इसे बीच में से काट लेंगे। आप चाहें तो इसे ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं। इस पे हम कोई भी अपनी फेवरेट मेयोनीज लगाएंगे। मैंने यहाँ पे तंदूरी मेयोनीज का यूज़ किया है और अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो इस पे हरी चटनी भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट देती है। इसे इक्वली स्प्रेड कर लेंगे। तो बस यही होता है तवा बर्गर में, एक अच्छी सी मनपसंद सी सॉस या मेयोनीज लगाएंगे, फिर अपनी जो स्टफिंग बनाई है हमने क्रीमी सी वो रखेंगे इस पे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से 3-3 चम्मच भर के इस पे स्टफिंग जो है वो सेट कर दी है। आप चाहें तो इसके ऊपर से चीज़ भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसे बहुत सिंपल रखा है, क्योंकि जो ऑथेंटिक मुंबई स्टाइल तवा बर्गर होता है वो ऐसा ही होता है। इसे हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब जो हमारा ऊपर वाला पीस है बर्गर का, आप चाहें तो उस पर केचप लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे स्प्रेड चीज़ का यूज़ किया है। ये मेरी चिली फ्लेक्स वाली चीज़ स्प्रेड है, आप चाहें तो कोई भी नॉर्मल स्प्रेड ले सकते हैं। और इसे हम कर देंगे इससे अच्छे से कवर। ऐसे करके हमने तीनों बर्गर जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं। और एक जगह पे हमने तवे पे अच्छे से बटर लगा लिया है, क्योंकि तवा बर्गर है तो बर्गर तो अच्छे से सेकने पड़ेंगे। तवे पे हमने बटर के साथ साथ चिली फ्लेक्स और ओरिगानो भी डाले हैं। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और ये जब हमारे बटर पे कोट होंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। तो ये स्टेप आप ज़रूर कीजिएगा। इस पे रख देंगे अपने बटर और उसे 5 से 6 मिनट तक टॉस करके क्रिस्पी कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से जो हमारे बर्गर हैं वो क्रिस्पी हो गए हैं और इन पे काफ़ी अच्छा कलर भी आ गया है। ये देखिए अब इन्हें निकालेंगे और डेकोरेट करा है मैंने थोड़ी सी मेयोनीज के साथ। आप चाहें तो ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर आप केचप भी रख सकते हैं साथ में। और ये देखिए हमारे कितने यम्मी से बर्गर जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो अगर आपको ये तवा बर्गर की रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़रूर ट्राई करें।